तो हम बात कर रहे थे शरीर की हीन दिशा के प्रमुख बिंदु, इसमें हमने चर्चा की थी। ठीक है, तो ये गले के बिंदु को हम अगर देखेंगे तो ये आपके अंगूठे के सेकेंड जॉइंट के यहाँ पे आएगा, क्योंकि आपका गला जो है वो फर्स्ट और सेकेंड जॉइंट के बीच में होता है। तो इस पिक्चर को विशेष समझाने की आवश्यकता नहीं, जहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है उस चीज को, अगर आप उस चीज को नहीं पकड़ पा रहे फिर भी मैं वहां पे कंफ्यूजन आपका क्लियर कराऊंगा। ठीक है, शरीर की यांग दिशा के प्रमुख सादृश्य केंद्र, आप इजीली इसको लोकेट कर सकते हैं। ओके, अब हम इसमें थोड़ा सा प्राइमरी सेकेंडरी का यहाँ पे भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये इस शरीर में आपको प्राइमरी और सेकेंडरी का अच्छे से इस पिक्चर में आपको समझ में आ जाएगा। ये हाथ जो है और ये पैर जो है, ये लेफ्ट साइड का है, लेफ्ट हैंड साइड एंड लेफ्ट साइड का फुट, ठीक है, फीट है, पैर नीचे तलवा। इसमें आप देखेंगे यांग साइड में है और पिक्चर भी यांग साइड में है। ये जो है ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। इसमें इन्होंने एल्बो का दे रखा है पॉइंट, इसमें हम देखेंगे एल्बो से जो जा रहा है ये होगा आपका इंडेक्स फिंगर के मिडिल जॉइंट के बीचों बीच। ये कौन सा ट्रीटमेंट हुआ? प्राइमरी ट्रीटमेंट। ओके, अब दूसरे तरफ में हम देखते हैं, दूसरे तरफ के हाथ में इन्होंने दे रखा है रिस्ट जॉइंट का, और जो ट्रीटमेंट करने के लिए हमें बता रहे हैं वो कौन सा है? लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड है, पर हमें बीमारी कहाँ पे शो हो रही है, यानी पॉइंट कहाँ पे है, वो हमारा है राइट साइड का, तकलीफ राइट साइड में है। ये इलाज या फिर इसको लोकेट कहाँ पे करवा रहे हैं हमें? लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट या सेकेंडरी कोरेस्पोंडेंस, सेकेंडरी यानी कि द्वितीय सादृश्य बिंदु। समझ गए कि प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है? अगर जो ये राइट रिस्ट का ट्रीटमेंट हमें राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर, राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट नहीं, ये लेफ्ट वाला है, हथेली के अंदर इंडेक्स फिंगर में अगर इस जगह पे ये देते ट्रीटमेंट, इस वाले जोड़ पे, तब हम उसको कहते प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी और सेकेंडरी भी आप समझ रहे हैं, साथ ही साथ बाकी चीज आप लोकेट कर सकते हैं। सिर के ऊपर के हिस्से का पॉइंट आप देख रहे हैं जहाँ पे ऋषि मुनि अपने शिखा बांधते थे, जहाँ पे शिखा बांधते थे उस जगह का ये पॉइंट है, इसको सहस्रार बिंदु भी कहते हैं। ये सहस्रार चक्र है। एडवांस एक्यूपंक्चर जब आप सीखेंगे तो ये DU मेरिडियन या GV मेरिडियन, दो नाम होते हैं, गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन का 20 नंबर बिंदु है, 20वां नंबर बिंदु। अभी आप केवल इसको एक अंग के हिसाब से समझ सकते हैं। टॉप ऑफ द हेड वर्टेक्स का हम कहाँ पे लेंगे? टॉप ऑफ द थंब। ओके, टॉप ऑफ द थंब हम लेंगे, क्योंकि थंब इज द हेड एंड सिर के ऊपर के हिस्से का ट्रीटमेंट हम देंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए बाकी आप आराम से लोकेट कर सकते हैं, कोई इसमें विशेष नहीं है। जैसे कि इसमें दे रखा है लेफ्ट शोल्डर, तो ये लेफ्ट हैंड में इंडेक्स फिंगर पे आपको ये शोल्डर का सादृश्य इन्होंने दे रखा है। ऊपर की तरफ गर्दन में ऑक्सिपिटल रीजन में, यहाँ पे अगर C1 या C2 के एरिया में ये लोकेट करवा रखा है इन्होंने, ये यहाँ पे डॉट बना हुआ, तो ये आपके अपर जॉइंट, थंब के अपर जॉइंट में, जहाँ पे C1 C2, जब हम इसमें आगे चल के पढ़ेंगे पूरे स्पाइन को यहाँ पे प्लॉट करेंगे, स्पाइन के बारे में ही पढ़ेंगे उस टाइम पे, तब हम आपको अच्छे से इसमें बताएंगे। अभी केवल आप नॉर्मली इसको देखिए। भुजा के जोड़ों के सादृश्य बिंदु किस प्रकार से होंगे? आर्म जॉइंट जॉइंट्स के, तो वो आप देख सकते हैं, ये नंबरिंग कर रखा है। नंबरिंग में हम देखेंगे कि 1 ये और ये 3 है, यानी कि ये अल्नर साइड है और ये रेडियस रेडियल साइड बोन का है, यानी थंब साइड और स्मॉल फिंगर साइड। हाथ में हाथ कौन सा है? तो हम देखेंगे ये हाथ हम ले सकते हैं कि ये हाथ लेफ्ट हैंड साइड होगा। ठीक है, तो लेफ्ट एक एक चीज का 1 किस तरफ होगा? ये आउटर साइड यानी कि थंब साइड होगा, क्योंकि हमारा अंगूठा जब हम हाथ की हथेली को ऐसे रखते हैं शरीर के पास में, जब हम नीचे की तरफ हाथ को फ्री करते हैं तो अंगूठा किधर होगा? बाहर की तरफ।
और हमारे स्मॉल फिंगर जो हम पहले बात किए थे वो होगा हमारे पैर की तरफ। हमारा पैर कौन सा है? मिडिल फिंगर। फ्लोटिंग जब करेंगे तो मिडिल फिंगर होगा। तो जब हम अंगूठे का ट्रीटमेंट करेंगे या अंगूठे की तरफ वाला ट्रीटमेंट करेंगे तब हम अंगुली के किस हिस्से में उपचार देंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि बाहर की तरफ। बाहर किधर? अंगूठे की तरफ। ये अंगूठा है, इसके तरफ। चलिए इसमें हम और देखेंगे, स्मॉल फिंगर की तरफ आप रिस्ट जॉइंट पे देख रहे हैं। स्मॉल फिंगर जब हम हाथ की हथेली को ऐसे रख के शरीर के पास और खड़े होंगे, स्मॉल फिंगर किधर होगा? हमारे पैर की तरफ, थाई की तरफ। और अब जब हम इसमें प्लॉटिंग करेंगे तो प्लॉटिंग करने पे हमारे मिडिल फिंगर को हम पैर सादृश्य, उसका पैर का सादृश्य हम उसको समझते हैं। तो हमारे स्मॉल फिंगर का ट्रीटमेंट इंडेक्स फिंगर में, यानी कि पूरे हाथ का सर सादृश्य उसमें किधर करेंगे हम? पैर की तरफ। पैर कौन सा होता है? मिडिल फिंगर। तो ये मिडिल फिंगर साइड 3 नंबर दे रखा है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये यहाँ पे छोटा सा एरो करके बना रखा है कि एक और इधर अंगुली है, जबकि इधर पूरा फ्लैट है, देख रहे हैं ना? यानी कि ये थंब साइड है और ये हमारे मिडिल फिंगर साइड है। तो मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट हो रहा होगा यहाँ पे, बाकी बीचों बीच लोकेट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेफ्ट राइट चूज करने में हमें दिक्कत होती है। अगला हम देखेंगे, सेम है वैसे, कोई विशेष नहीं है। आपने रिस्ट जॉइंट को अच्छे से समझ लिया तो एल्बो जॉइंट भी आप प्लॉट कर सकते हैं। उसी प्रकार से प्लॉटिंग हम करेंगे शोल्डर जॉइंट की। चलिए ये यांग साइड था, अब हम इन साइड आ जाते हैं। इन साइड में 1 नंबर जो है वो शो हो रहा है, थंब साइड। इसका हम इलाज कहाँ पे देंगे? इन साइड में ही देंगे। ये यांग साइड में था, इन साइड में ही देंगे, इंडेक्स फिंगर पे ही देंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये भी हमें लेफ्ट हैंड में इंडेक्स फिंगर पे ही देना है। पर हमें कहाँ पे देना है? यानी कि इंडेक्स फिंगर में हमें थंब साइड देना है, देख रहे हैं ना? थंब साइड। थंब साइड हम क्यों देंगे? वो मैंने आपको यहाँ पे भी समझाया था कि हम हाथ की हथेली वैसे रखते हैं तो हमारे जो थंब होता है वो आउटर साइड होता है, बाहर की तरफ होता है। तो उसका जो सादृश्य होगा वो भी इसमें, ये हाथ है पूरा, यानी कि इसको समझ लीजिए, ये हाथ है, इंडेक्स फिंगर है, तो इसमें भी ये बाहर की तरफ होगा। और स्मॉल फिंगर हमारे थाई की तरफ होता है, जंघा की तरफ होता है, तो उसका सादृश्य बिंदु भी हमारे मिडिल फिंगर साइड में होगा, जो कि हमारे पैर का परिचायक है, पैर का क्रोस्पोंडेंस है, पैर का सादृश्य है। ओके, बाकी आप बीच वाले पॉइंट आराम से लोकेट कर सकते हैं, कोई विशेष इसमें नहीं है। अब हम पैरों के जोड़ों के सादृश्य बिंदु लेग जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कल इशिता ने सवाल किया था, उसको मैंने समझाया भी था दोबारा, और फिर आज यहाँ पे उसी के रिलेटेड में आपको समझाऊंगा। जब हम यिन यांग थ्योरी पढ़ रहे थे तो यिन यांग थ्योरी में मैंने बताया था कि पैर के लेटरल साइड पे प्रकाश पड़ेगा और पैर के पीछे की तरफ प्रकाश पड़ता है, ठीक है ना? जो पैर के अंदर वाली साइड जो है, थंब साइड जो है, उस पे प्रकाश नहीं पड़ता, तो वो क्या हो गया हमारा? इन साइड। आउटर साइड जो हो गया हमारा यांग साइड। ओके, इसमें आप फिंगर की डायरेक्शन देखेंगे तो ऐसे कर रखा है फिंगर को, और हम जब हाथ की प्लॉटिंग करते हैं, ये हाथ का आ गया आपके पास, इसमें फिंगर सीधा है, प्लॉटिंग भी सीधा कर रखा है। इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, रिस्ट जॉइंट 4 नंबर मिडल में आ रहा है, हम ट्रीटमेंट इसका दे रहे हैं इंडेक्स फिंगर बीचों बीच। ये जो जॉइंट होता है, नाखून के बिल्कुल सीध में एक लाइन खींचेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, तो बिल्कुल बीचों बीच होगा, क्योंकि ये कलाई के बीचों बीच था। ओके, अब आगे चलते हैं। अब हम यहां देखेंगे, घुटना सामने से देखने पे बीचों बीच था, है ना? बीचों बीच है। इसी प्रकार आपके एंकल जॉइंट में भी 2 नंबर और बी जो शो हो रहा है, ये सामने की तरफ है, लेकिन इनका ट्रीटमेंट
नेल साइड में नहीं हो रहा है, आप देख रहे होंगे ये टू नंबर अंदर वाली साइड हो रहा है मिडिल फिंगर में, ठीक है, अंदर वाली साइड। अंदर वाली साइड में भी हम देखेंगे कौन सी साइड, तो हमारे घुटने जो है, घुटने और जो हमारे घुटने के लेटरल साइड जो है उसको अगर हम देखेंगे बाहर वाली साइड ये, तो वो होगी हमारे इंडेक्स फिंगर साइड। इंडेक्स फिंगर साइड, इंडेक्स फिंगर साइड क्यों होगी वो हम समझ लेते हैं, क्योंकि जो ये आपका लेटरल पार्ट है वो हमारे हाथ की तरफ होता है, हाथ की तरफ होता है। जब हम खड़े होते हैं तो ये जो घुटने का लेटरल पार्ट है ये हमारे हाथ के नजदीक होता है, न कि दूसरे पैर के नजदीक होता है। यानी कि अगर हम खड़े होंगे तो दोनों पैरों को जब हम आपस में मिलाएंगे तो दोनों घुटने या फिर दोनों पैरों के लेटरल साइड दोनों तरफ के हाथ के साइड में होगा, उसके नजदीक होगा, तो उसका ट्रीटमेंट भी हम कहाँ पे देंगे, इंडेक्स फिंगर की साइड देंगे, देंगे मिडिल फिंगर पे ही, पर उसको हम इंडेक्स फिंगर साइड देंगे ना कि रिंग फिंगर साइड। अब हम रिंग फिंगर साइड किसका ट्रीटमेंट देंगे वो हम देख लेते हैं। ये मीडियल मेलियलस इसको बोलते हैं, हड्डी के जो आपको उभार दिखता है यहाँ पे और ये बाहर वाला उभार, ठीक है, टिबिया फिबुला के जो उभार होते हैं ना हड्डी के, वो आपको यहाँ पे महसूस कर सकते हैं आपको हाथ लगा के। इसी प्रकार घुटने में भी ये अंदर वाली जगह पे आप देख सकते हैं, इसका लोकेशन कहाँ पे आएगा, इसका लोकेशन होगा आपके मिडिल फिंगर में, रिंग फिंगर साइड अपोजिट, रिंग फिंगर साइड। रिंग फिंगर साइड क्यों होगा, क्योंकि जो आउटर जो हमारा अंदर की तरफ जो छुप गया था, जैसे मैं खड़ा हूं आप देखेंगे, एक मिनट के लिए मैं स्लाइड को बंद कर देता हूं, आपको मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आएगी, मेरी पिक्चर आपके पास क्लियर पहुंच रही होगी, ठीक है। तो आप देखेंगे ये मैं खड़ा हूं, ये दोनों पैर हैं, ठीक है, और ये पैरों के अंदर वाली, ये घुटने जो है ना इसमें अंदर वाली साइड है, ये अंदर वाली साइड। हम बात कर रहे थे कि हमारे घुटने के अंदर की साइड में तकलीफ है, तो उसका लोकेशन भी हमारे को अंदर की साइड मिलेगा, किसकी तरफ मिलेगा, हमारे रिंग फिंगर साइड, रिंग फिंगर साइड, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हमारे पैर के आउटर लेयर है, जो आउटर लेयर जो हमें घुटने के लेटरल साइड होता है जब हम खड़े होते हैं तब हमारे हाथ के पास में होता है, लेटरल साइड ऑफ दी नी हमारे हाथ की हथेली के पास होगा, न कि दूसरे तरफ के पैर के घुटने के पास। मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि हम घुटने का ट्रीटमेंट इसमें थोड़ा सा इस प्रकार से देंगे। फिर से स्लाइड पे आ जाते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको फ्रंट और बैक से ले लेते हैं, ये फ्रंट का था, अब हम बैक साइड से ले लेते हैं, बैक साइड ऑफ द नी, इसका ट्रीटमेंट या फिर इसमें भी आपको लेफ्ट राइट देखने को मिलेगा। ये आपका अंदर के तरफ वाला मेलेलस है, हड्डी है, उभार है, और ये आपके बाहर का तरफ वाला, और जो एडी के बीचों बीच जो पॉइंट है ना, और जो आपके बटक का पॉइंट है या फिर आपके जो घुटने के पीछे जिसको हम पॉपलेटल फोसा बोलते हैं, पॉपलेटल फोसा या फिर बटक जो नितंब होता है या फिर हमारे एडी, इसका ट्रीटमेंट, एडी के थोड़ा ऊपर का एंकल जॉइंट में, इसका ट्रीटमेंट हम इन मिडल फिंगर में बीच में करेंगे, ना हम इधर करेंगे पीछे बिल्कुल पीछे, ना हम बिल्कुल इस तरफ करेंगे, इसका ट्रीटमेंट जो है हम करना है वो अंदर की तरफ करेंगे, किस तरफ करेंगे, अंदर की तरफ, ठीक है। अब हम बाहर की तरफ में इसको देखते हैं, ये दोनों समझ में आ गया, अब लेटरल साइड का हम देख रहे हैं, ये मेलियलस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और ये घुटने का अंदर की साइड वाला, ये थंब साइड है, ये थंब दिख रहा होगा, ये अंदर वाली साइड आप देख रहे हैं, ये बाहर की तरफ फिंगर्स साइड है,
इसमें आप स्पष्ट और भी देख सकते हैं, घुटने के लेटरल साइड इसमें शो हो रहा है अंदर वाला, इसका इन्होंने प्लॉटिंग कहाँ पे किया, बीचों बीच, लेटरल साइड को बीचों बीच किया, जबकि सामने से देखने में हमें क्या फील होता है कि घुटने के जो पटेला है, सामने की घुटने की जो कैप है, नी कैप बोलते हैं, उसका हमें इस जॉइंट के बीचों बीच मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला, ये इन साइड में, क्योंकि ये कौन सा साइड है, इन साइड है, थंब साइड में छुप जाता है जब हम उस पोस्चर में जाते हैं। यिन यांग थ्योरी में अगर आपने ध्यान से सुना होगा, एक एक बात ध्यान से सुनेंगे, एक एक चीज को ध्यान से स्लाइड को समझेंगे, तभी आप दूसरी चीज से कोरिलेट कर पाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। ओके, ये हमारे पैर में अंदर का पार्ट है, और अंदर का पार्ट कौन सा होता है, इन साइड का। इन साइड में हम ट्रीटमेंट किस तरफ देंगे, मिडिल फिंगर में, तो हम रिंग फिंगर साइड देंगे, समझ रहे हैं, ये बीचों बीच तो दे रहे हैं हम, बीचों बीच तो क्यों, क्योंकि हमारे इसमें फ्लोटिंग में थोड़ा सा चेंज होता है, हमारे हाथ की फ्लोटिंग और पैर के फ्लोटिंग में, तो इसको जो ये साइड वाला व्यू है इसको हम बीच में लेके आएंगे, पूरे बीच में, हाथ के हथेली के सामने, ये आगे की तरफ भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर से मैं बता दूंगा। और जो लेटरल साइड है वो मिडिल फिंगर के बिल्कुल जो अंगूठे में, इसमें मिडिल फिंगर में जो नाखून की साइड है, उस साइड में पूरे प्लॉट हो गए सारे के सारे पार्ट जो कि लेटरल साइड में है, जबकि हमें घुटने के सामने की तरफ वाले पार्ट को यहाँ पे प्लॉट करना होगा, या फिर हम ऐसा समझ सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्लाइड, ये आपको दिख रहा है अभी धनंजय, आर्म जॉइंट्स दिख रहा है या स्लाइड चेंज नहीं हुआ, अभी आपको इसमें फिर से लेके आया हूं क्योंकि ये कंफ्यूजन दूर करना ज्यादा जरूरी है। तो हम देखेंगे कि इसमें तो बीचों बीच हमें मिल गया कि 4 नंबर है, तो हमें बीचों बीच मिल गया, लेकिन इसमें हमें बीचों बीच शो नहीं हो रहा है, घुटने का जो है ये बी नंबर, ये हमें यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन ये लेटरल साइड में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये यिन यांग का आप अच्छे से देखना, वापस आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी का फिर से इसमें हम समझ सकते हैं, मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिर भी हम देख लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हाथ की आपको प्लॉटिंग मिलेगी, किस प्रकार से पैर की मिलेगी, एक बार इसमें फिर से समझ लीजिए, ये राइट हैंड साइड है, ये भी राइट हैंड साइड की हथेली में आप इसको प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, पूरी बॉडी में हम इसको देखेंगे, तो ये जो है हमारा लेफ्ट साइड का पैर है, और ये हमारे राइट साइड का हैंड है, शोल्डर है, ये एल्बो है, इसकी प्लॉटिंग राइट हैंड साइड हथेली में करेंगे तो हम इंडेक्स फिंगर में कर रहे हैं, इंडेक्स फिंगर में कर रहे हैं, ओके। चलिए अब हम देखते हैं, ये पार्ट आप देख रहे हैं, इसमें रिस्ट जॉइंट इसमें इन्होंने शो कर रखी है, रिस्ट जॉइंट, कौन सा हाथ है, लेफ्ट वाला, उपचार देंगे उसका बिंदु सादृश्य बना रखा है, वो हथेली कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड, उपचार कहाँ पे दे रहे हैं, इंडेक्स फिंगर, यानी कि आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जिस तरफ का हाथ या जिस तरफ के पार्ट की प्रॉब्लम है, अगर आधी हथेली आधी पैर के तलवे और आधे शरीर के, जैसे इसमें हम हिस्सा बनाएंगे अंगूठे से लेके यहाँ तक का, उसमें अगर हम ट्रीटमेंट देंगे तो वो होगा हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट। चलिए प्राइमरी समझ में आ गया होगा, अब हम जानते हैं सेकेंडरी किसको कहेंगे, फिर से उदाहरण सहित हम समझेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड था, इसका इन्होंने इस पे ट्रीटमेंट दिया, हमने इसको प्राइमरी कहा, लेकिन ये हाथ की हथेली तो राइट ही है, इस पे इन्होंने किसका ट्रीटमेंट दे रखा है, लेफ्ट वाले घुटने का,
ये कौन सा घुटना है? लेफ्ट। लेफ्ट घुटने का कहां पे लोकेट किया इन्होंने? रिंग फिंगर में। और राइट वाले घुटने का राइट वाली हथेली के मिडिल फिंगर में इन्होंने प्लॉट किया। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये घुटने की जो प्लॉटिंग है राइट साइड के, ये राइट साइड की हथेली में मिडिल फिंगर पे हुआ, और जो लेफ्ट वाले घुटने हैं उसका ट्रीटमेंट, उसका सादृश्य राइट वाली हथेली में इंडेक्स पे रिंग फिंगर पे होगा। तो ये ट्रीटमेंट, ये सादृश्य, ये सेकेंडरी है, और इसका राइट वाले पैर का जो मिडिल फिंगर पे है ये सादृश्य प्राइमरी है। अगर हमें राइट वाले इसमें ट्रीटमेंट देना है तो हम राइट वाले पैर का तो राइट के तरफ के फिंगर में देंगे, और अगर हमें लेफ्ट वाले पैर का ट्रीटमेंट देना है लेफ्ट घुटने में, हम ट्रीटमेंट रिंग फिंगर पे दे सकते हैं। ये 101% सही है, गलत इसको कोई नहीं कह सकता, लेकिन गलत हमें कोई कह नहीं सकता, लेकिन हमें काम कौन सा सही से करना है, काम कौन सा करना है जो सही हो, तो उसके लिए हम बात करेंगे एनर्जी फ्लो की। एनर्जी फ्लो की जब हम बात करेंगे, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरी राइट हैंड में रिंग फिंगर है और मिडिल जॉइंट है, ये घुटना है, मैं अगर इस पे उपचार दूंगा तो ये मेरे लेफ्ट साइड में एनर्जी भेजेगा इस प्रकार से, और पैर की तरफ भेजेगा, ठीक है, और घुटने के पास जाके वो घुटने को ट्रीटमेंट करेगी। वहां पे जो भी इंफ्लामेशन हुआ है, जो भी असंतुलित अवस्था आई है, या फिर हम कह सकते हैं कि वहां पे इम्बेलेंस हुआ है, तो उसको बैलेंस करने के लिए वर्क करेगी। तो यहां से जाने में समय लगेगा। यहां से पॉइंट तो सही है, हमारे घर के पास जो है जाने के रास्ते बहुत हो सकते हैं। चलिए इसको हम ऐसे समझते हैं, कॉलेज के माध्यम से जो हमारा ओम शिव संस्थान कॉलेज है, इसको अगर हम चौराहे से जाएं, तो चौराहे से जाने पे हमें मंगलवार गांव में होके जाना पड़ेगा। अगर हम डूंगला साइड रहते हैं या किसी दूसरे तरफ से जब हम आएंगे बिलोदा साइड से, तो बिलोदा से भी जब हम आएंगे तो भी हम कॉलेज ही पहुंचेंगे। तो ये कोई गलत नहीं कह सकता कि आप कॉलेज नहीं पहुंच सकते, कॉलेज आ सकते हो, लेकिन रास्ता कौन सा लंबा है आपके लिए। आप अगर भीलवाड़ा से उदयपुर जाओगे तो आप कांकरोली होके भी जा सकते हो, आप चित्तौड़ होके कपासन होके भी जा सकते हो, आप चित्तौड़गढ़ से मंगलवाड़ होके बाद में भी उदयपुर पहुंच सकते हो। तीन रास्ते हैं, लेकिन किलोमीटर सबके अलग अलग हैं। आप कौन सा रास्ता पसंद करोगे, पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, आपके पास आपकी पर्सनल गाड़ी है और आपको एक एक किलोमीटर का, एक एक पैसे का हिसाब लगाना है, तो मेरे ख्याल से आप जो कम किलोमीटर आपके लिए होगा वहां से होके आप जाएंगे। और जब वहां से होके आप जाएंगे तो आपको फायदा होगा, आप जल्दी पहुंचेंगे, समय कम लगेगा आपका, पेट्रोल का खर्चा कम होगा, गाड़ी की मेंटेनेंस जो है वो ज्यादा नहीं आएगी, कितने फायदे हैं। इसी प्रकार से जब हम राइट तरफ के हाथ में रिंग फिंगर में ट्रीटमेंट दे रहे हैं लेफ्ट नी का, तो हम इसमें ना देके अगर हम लेफ्ट घुटने का ट्रीटमेंट अगर लेफ्ट हैंड साइड की हथेली के मिडिल जॉइंट में अगर ट्रीटमेंट करें, मिडिल जॉइंट में, किसमें, मिडिल फिंगर, मिडिल जॉइंट, तो वो वहां से आसानी से और जल्दी पहुंचेगा। ओके, दूसरी चीज इसी में मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सुजोक, सु यानी हाथ की हथेली, जोक यानी पैर के तलवा। अब हमने अभी तक तो जो ट्रीटमेंट देखा वो हाथ की हथेली पे किए जा रहे हैं, अब हम पैर की भी थोड़ी चर्चा करेंगे।
अगर हम बात करें हाथ की हथेली के मिडिल फिंगर में भी घुटना है और पैर के मिडिल फिंगर में भी घुटना है। हमारे पास लेफ्ट घुटने का ट्रीटमेंट भी लेफ्ट साइड में दो जगह पे है। कितनी जगह पे है? दो जगह पे है। अब हमें डिसाइड करना होगा कि हमारे लिए कौन सा सरल है, कौन सा इजी लोकेट है, कौन सा नजदीक है बीमारी के। हाथ के मिडिल फिंगर से एनर्जी को यहां से होके जाने में, पूरे नीचे जाएगी, घुटने तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है? बहुत ज्यादा लगेगा इन कंपैरिजन टू आपके मिडिल टो, यानी कि पैर के मिडिल फिंगर के मिडिल जॉइंट से उपचार देने में। जो उपचार आपके घुटने तक पहुंचने में समय लेगा या उसका इफेक्ट आएगा, वो आपके हाथ के मिडिल फिंगर से जाने में समय लेगा। ओके, तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि नाभि से नीचे के कोई भी समस्या हो, ये थंब ऑफ रूल है, नाभि से नीचे के कुछ भी समस्या हो उसका इलाज पैर में देना चाहिए। और 10 मिनट का नोटिफिकेशन आ चुका है, आज हमारी क्लास थोड़ी लंबी चल गई, कोई बात नहीं। तो नाभि से नीचे के जो भी हमारे शरीर के हिस्से हैं उसका उपचार हम किस पे देंगे? जोक पे। जोक क्या है? वो हमारे पैर के तलवे हैं। नाभि से ऊपर की समस्या है तो हम किस पे उपचार देंगे? यानी कि आपके हाथ के कलाई में दर्द हो रहा है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, और आप उपचार लेफ्ट पैर के इंडेक्स टो यानी इंडेक्स फिंगर पे, रिस्ट जॉइंट है तो उसके नाखून के पास वाले जॉइंट पे अगर मेथी की पट्टी लगा रहे हैं तो इंडेक्स टो से एनर्जी को यहां तक पहुंचने में समय लगेगा। तो हमें कहाँ पे उपचार देना चाहिए? हाथ के इंडेक्स फिंगर पे, रिस्ट जॉइंट यानी कि आपके ये नाखून के पास वाले जॉइंट पे मेथी की पट्टी बांधेंगे तो यहां से यहां पहुंचने में उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी से ठीक होगा। दूसरी चीज, आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं और पैर में भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप स्मॉल फिंगर, राइट साइड स्मॉल फिंगर नाखून के पास वाले जॉइंट पे भी लगा सकते हैं। राइट साइड के पैर के तलवे के स्मॉल फिंगर के नाखून के पास वाले पे भी जॉइंट पे लगा सकते हैं। चार जगह से इलाज कर सकते हैं आप। सोचिए कितनी शानदार व्यवस्था भगवान ने हमें अपने आप अपने अंदर देके भेजी है। सिर्फ हमें आवश्यकता है उसको जानने की, उसको पहचानने की, उस पॉइंट को लोकेट करने की। और आप आश्चर्यचकित होंगे जब आप इसके रिजल्ट लेंगे। रिजल्ट आप जब अच्छे से पॉइंट लोकेट करके लगाएंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, अन्यथा आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और आपके पास मान लीजिए 100 पेशेंट, 100 पेशेंट आ रहे हैं, उनमें से आपको शुरुआती दौर में 10 पेशेंट पे ही रिजल्ट मिलेगा मान लीजिए, तो आपको निराश नहीं होना है, अभ्यास करते रहना है। अगर हम निराश हो जाएंगे तो उसी जगह पे हम अटक जाएंगे, और अगर हम निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, वो 10% को अगर हम टारगेट बना के चले तो वो एक दिन 100 अवश्य हो जाएगा। तो जो शुरुआती जो थेरेपिक रिजल्ट होते हैं वो पिरामिड के हिसाब से होते हैं। जो अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं वो अमेजिंग रिजल्ट पिरामिड बनाते हैं ना, तो 10 लोग नीचे हैं, उसके ऊपर 5, उसके ऊपर 3, उसके ऊपर 1। लोग ऊपर ही ऊपर वाले को देखते हैं जो तिरंगा लहरा रहा होता है, बाकी नीचे वाले का ध्यान नहीं देते। जो रिजल्ट आता है अमेजिंग रिजल्ट, वो अमेजिंग रिजल्ट 10 लोगों में से एक को ही मिलेगा, बाकी बहुत धीरे धीरे ठीक होंगे। ऐसा नहीं है कि हर मरीज, आपके पास कोई भी मरीज आया, आपने पॉइंट लोकेट किया, लगाया, वो ठीक हो गया, ये कोई मैजिक नहीं है। अगर समस्या क्रोनिक है
डिजीज क्रोनिक है, बीमारी पुरानी हो चुकी है, तो उसको ठीक होने में समय लगेगा, आपको काफी सारी चीजें और सीखने की आवश्यकता है। तो मेरे ख्याल से आज के इस क्लास में आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे इसकी चर्चा करेंगे कल। कुछ सवाल यहाँ पे हम लेंगे। चलिए, 5 मिनट है हमारे पास, जिसका जो सवाल है वो डायरेक्टली सवाल करें। सर ये मतलब जो भी बीमारी होगी उसमें मतलब एक्यूप्रेशर कितने टाइम तक देना चाहिए, मतलब कितने दिन तक यूं? देखिए, इसमें कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है। अभी तक ऐसा देखा गया है कि जब तक रोगी ठीक नहीं होता है तब तक दीजिए। एक्यूट है, अभी अभी बीमारी हुई है तो जल्दी से ठीक हो जाएगा। घुटने पूरे घिस चुके हैं, आप उनका उपचार कर रहे हैं, तो उसमें कोई ये मैजिक नहीं है, ये थेरेपी है। समय लगेगा। कितना समय लगेगा? पूरे घुटने घिस चुके हैं तो वो कभी ठीक नहीं होंगे इस थेरेपी से। केवल आप उनको दर्द में आराम दे सकते हैं, उनके सूजन को कम कर सकते हैं, उनको कुछ महीने ट्रीटमेंट देके आप उनकी समस्या को कम कर सकते हैं। अगर पूरे खराब हो चुके हैं ना, तो उसको ठीक नहीं कर सकते। ठीक करने वाला हम शब्द यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। ठीक तो बहुत सारी थेरेपी को हम अल्टरनेटिव थेरेपी को मिक्स करके देते हैं, तब भी जब बहुत ज्यादा घुटने खराब हो जाते हैं या बहुत ज्यादा कोई समस्या होती है तो वो पूरा ठीक नहीं होता, परसेंटेज में ठीक होता। कितना परसेंटेज हुआ पूछते हैं तो बोलते हैं हमारा 10%, 20%, 50%, 60%, 80%, 90%, ऐसा परसेंटेज में बताते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में कुछ असुविधा हुई हो तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। धनंजय, अपना माइक और वीडियो ऑन करें। अगर आपके पास में कोई और भी मोबाइल है तो उनसे आप दूर रहिएगा, क्योंकि आवाज आपकी बबलिंग करेगी। चलिए बताइए। आज की क्लास में कुछ असुविधा हुई क्या? नहीं बॉस, कुछ हाँ, राहुल बता रहे हैं नहीं हुआ। स्नेहा, अपना माइक ऑन करें। मेरी आवाज में या फिर स्लाइड शो होने में या मेरा वीडियो शो होने में कोई आज दिक्कत हुई क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब ठीक था। हाँ समझ में आया आज? हाँ सब तो समझ में आया, बस वो थोड़ा वो एक दो है ना, उनमें कुछ समझ में नहीं आया। वो अपने फिंगर का, वो हाथ का बताया था ना, वो यिंग यांग वाला, वो हाँ। मतलब वो थोड़ा समझ में नहीं आया, बाकी सब समझ में आ गया। कौन सा समझ में नहीं आया? जो हमने पैर के बारे में बताया था, घुटने वाला, हाँ, वो घुटने वाला। उसके लिए आप अच्छे से देखिए अपने यिन यांग थ्योरी को। उसमें सूर्य का प्रकाश कहाँ पे है और कौन सा पार्ट छुपा हुआ है, तो हमारे पैर का कौन सा पार्ट यांग होगा, कौन सा पार्ट यिन होगा, उसकी प्लॉटिंग कहाँ पे होगी, वो हम देखेंगे। ठीक है, कल चर्चा कर लेंगे। हाँ, भाई वो लेफ्ट राइट में कोई प्रॉब्लम हो, भाई स्लाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ स्लाइड जो आप देखेंगे ना, मैंने आज ही भेज दी थी, उसको जब आप हाँ देखेंगे एक एक चीज को, तो मेरे ख्याल से आपको कोई असुविधा नहीं होगी। हाँ चलिए, आप सबने इतने धैर्य से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हरिओम।